सभी लोग जो समझ लें ऐसी ही भाषा में बोलूंगा। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, तब से लेके 77 ईयर्स आज हो रहे हैं। तो हम लोगों को जैसे आदत पड़ गई है कि तो 15 अगस्त 26 जनवरी आते जाते रहते हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं। जो लोग बुजुर्ग हैं जैसे आनंद जी या देवेंद्र जी, इन लोग ग्रैंड फादर वगैरह, गुलामी का समय भी देखा होगा और वो बच्चों को बताते होंगे उस समय क्या माहौल था। जिस तरीके से अभी हम लोग आके इकट्ठा होके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस तरह उस समय ऐसी हमें स्वतंत्रता नहीं थी कि हम कोई सेलिब्रेट कर सके, कोई कुछ कर सके। और हमारे लोगों ने सैकड़ों साल संघर्ष किया, तब जाके उस दिन आज़ादी मिली थी। आप लोग तो भाई पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब ने तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी हो, चाहे राजदेव, सुखदेव, भगत सिंह हो या मदन लाल सिंगरा हो या जो लोग रहे हों। और सबसे ज़्यादा कष्ट भी यहाँ के लोगों को हुआ कि हमारा इतना बड़ा पंजाब था, उसका 2/3 चला गया पाकिस्तान में, 1/3 हमारे पास बचा है। पंजाब माने खुशहाल धरती होती थी, पांच नदियों का स्टेट होता था, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अन्न उपजाते थे, सबसे ज़्यादा मिलिट्री में जाते थे और आज़ादी के लिए।